टैब ज्योग्राफी में संचार के माध्यम में सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं आज एक रेडियो, इससे पहले खत्म हो गया है रेडियो संचार के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं भारत में संचार का या जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन रेडियो को ही माना जाता है, क्योंकि उस समय आप लोग देखे होंगे जब छोटे होंगे तो कि हर घर पे जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो पुराने आदमी हैं, आज भी पूछिए अगर उनके घर पे होगा, हमारे घर पे भी होगा, इससे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके बाबा वगैरह सुना करते थे, अब लोग नहीं सुनता, शायद आपके घर पे पापा भी सुनते होंगे, आज भी घर पे होगा, आज भी हमारे पास राम संस का रेडी और संतोष का रेडी है, ठीक है, लेकिन अब उसका उपयोग नहीं होता। आज जब से मोबाइल आया है रेडी का और टीवी का महत्वपूर्ण रूप से कहा चुका है ख़त्म हो चुका है। आइए रेडियो संचार के बारे में, ठीक है ना, रेडियो संचार के बारे में जानते हैं। जन संचार के लिए रेडियो अच्छा साधन है, लेकिन यह आज के समय में धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है। ये धीरे धीरे किसके कगार पर है? ये धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है। क्या विलुप्त के कगार पर है भाई? विलुप्त के कगार पर क्या है? विलुप्त के कगार पर क्या है? तो हम लोग का विलुप्त के कगार पर है रेडियो। ये रेडियो जनसंचार जो है, रेडियो का सबसे पहले 1927 ईस्वी में रेडियो का सबसे पहले 1927 ईस्वी में भारत, या ऐसे मत लिख दीजिए, ऐसे भारत में 1927 ईस्वी में रेडियो द्वारा प्रसार किया गया था। किसके द्वारा प्रसार किया गया था? रेडियो द्वारा। किया गया था यह भारत का एक चैनल, रेडियो क्लब कभी कभी दिक्कत होने लगता है, माथा खराब हो जाता है, क्लब आप बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण, ठीक है ना, एक चैनल के माध्यम से रेडियो क्लब ऑफ मुंबई द्वारा क्या किया गया था, इसको शुरू किया गया था। ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग को शुरू कहाँ से किया गया था? मुंबई से किया गया था। लेकिन
उन्नीस सौ तीस में इंडियन ब्रांड कास्टिंग सिस्टम द्वारा तथा 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारण किया गया था। याद रखिएगा 1927 में सबसे पहले कौन सा किया, रेडियो क्लब ऑफ मुंबई, एक हो गया आपका चैनल, दूसरा का चैनल कब किया गया था, लेकिन 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम किया था, ये हम लोग हो गया, ठीक है। और जब हम लोग तीसरा में चले तो 1936 में ऑल इंडिया प्रसारण द्वारा किया गया था, ऑल इंडिया प्रसारण द्वारा किया गया था। यही नहीं रोका, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका भी नामकरण को या इसका भी नाम को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। इसको नोट कर लीजिए, हम आप लोगों को बता दें। बचा के शनिवार दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहीं से घर रोते हुए जाएं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं इसलिए कि बाद में हम कुछ पूछताछ करें, आज दिक्कत होगी, आज कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा मिलेगा। यहाँ पर बताएगा जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद 1957 ईस्वी में इस रेडियो चैनल का नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया था। देखिए कहाँ से पानी था, आज वर्तमान समय में इसको प्रसार भारती के तहत प्रसारण किया जाता है। इसमें
सरकारें और निजी चैनलों के माध्यम से प्रसारण होता है। इसके माध्यम से ये हम लोग का आज वर्तमान समय में भारतीय बताया गया सॉरी प्रसार भारती के द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। इसमें कुछ सरकारी तथा निजी चैनल भी लोग लेके क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। अब देखिए, अब रेडियो के बाद आप लोग जानते होंगे क्या आया। रेडियो के बाद कौन सा साधन आया आप कोई बोल ही नहीं रहा। कौन सा साधन आया रेडियो के बाद, टेलीविजन। भारत का सबसे लोकप्रिय संचार का माध्यम टेलीविजन बन गया। कहा गया टेलीविजन बन गया। सबसे पहले भारत में 1969 ईस्वी में इसका शुरुआत हुई, परंतु 1976 ईस्वी में टेलीविजन डीडी के माध्यम से प्रसारण किया जाता था। यह प्रसारण रंगीन प्रसारण की शुरुआत 1982 ईस्वी में शुरू हुआ, परंतु उस समय एशियाई खेल जोरों पर था, यह माध्यम बच्चे जवान बूढ़ा
औरत आदि सबके लिए लोग प्रिय साधन है। ये सबसे लोकप्रिय क्या है? साधन है। ये सबसे लोकप्रिय साधन है। इसमें भी हम लोग का समाचार बताया जाता है, लेकिन आप लोग सुने होंगे कि समाचार एक हम लोग का पत्र भी मिलता है जिसको हम लोग अखबार बोलते हैं। समाचार पत्र भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अखबार बोलते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा, उसके बारे में भी ध्यान रखिए। क्या है वह समाचार पत्र? समाचार पत्र आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे या सीखे होंगे कि ये कौन कौन से भाषा में इसको क्या किया जाता है, छापा जाता है। हिंदी भी होता है, अंग्रेजी भी होता है, उर्दू भी होता है, बंगाली भी होता है, मराठी भी होता है, अन्य अन्य का होता है, क्षेत्रों के लिए अखबार अन्य का किया जाता है, बनाया जाता है। याद रखिएगा, आपको हम बता रहे हैं। जबकि बात है आज से 5-6 साल पहले के बाद देश में 65,000 अखबार या समाचार पत्र बनता था। कितना हजार? 65,000। पूरा भारत में कितना? 65,000 समाचार पत्र क्या करता था? क्या हुआ करता था? बना करता था। कितना बना करता था? ये कब की बात हम बता रहे हैं? 2007 की। हो सकता है कि आज हम लोग का चल रहा है 2024, इसकी संख्या बहुत बढ़ गई हो। उस समय जब 2007 में जब 65,000 बनता था तो उस समय सिर्फ 25,000 हिंदी बनता था। क्या बनता था? हिंदी। और इसके बाद बाकी बंगला, ठीक है ना, मराठी, ठीक है ना, बंगला, मराठी, उर्दू, उर्दू, और गुजराती आदि और भी क्या किया जाता था? बनाया जाता था। लेकिन सबसे अधिक क्या होता था? 25,000 क्या बनाया जाता था? 25,000 हिंदी बनाया जाता था। ये कब की बात कहा जा रहा है? ये 2007 की बात बताई जा रही है, 2007 की बात कर रही है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे लोकप्रिय साधन आज के समय में, सबसे लोकप्रिय साधन आज के समय में हो गया है, ठीक है ना, मोबाइल, ठीक है। और पहले जो था सबसे लोकप्रिय साधन, ठीक है ना, तो टेलीविजन। टेलीविजन जिसके घर में है, लगाया के आराम से बैठा हुआ है, कोई काम धाम नहीं है, ठीक है ना, आराम से। आज के भी समय में टेलीविजन जो है, ठीक है, समाचार बड़े बड़े घरों में LED लगा हुआ है और समाचार उसके माध्यम से क्या की जाती है? सुनी जाती है, क्रिकेट देखा जाता है और बहुत सारे ऐसे खेल है जो क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो आज इस रेडियो और टेलीविज़न के संचार में आज इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स।